गर्मा गर्म कुरकुरी फूली फूली दाल की परतों वाली कचौरियाँ सभी को बहुत पसंद होती हैं। इनको बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, पर अगर आपको ये ट्रिक्स पता लग जाए तो आप भी इनको परफेक्ट बना सकते हैं। आज हम आए हैं झांसी के दाऊ समोसे वालों की वर्कशॉप पर, जहाँ हम देखेंगे कि इनको कैसे बनाया जाता है। दाल की कचौरी का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर डाला गया है तेल। इसमें डाली जा रही है सौंफ। इसके साथ ही इसमें डाला जा रहा है बेसन। तो बेसन को डाल के बस अच्छे से मिक्स कर लिया जा रहा है। बेसन को एकदम धीमी आंच पर चला चला के भूना जाता है, जिससे कि कचौरी खाते समय उसमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। तो ये देखिए बेसन भुन गया है। भुनने की पहचान ये है कि काफ़ी डार्क कलर का हो गया है और बहुत ही बहुत इंटेंस खुशबू आ रही है इसमें से। और अब इसमें डाली गई है भीगी हुई उड़द दाल और भीगी हुई मूंग दाल, और इसको डाल के बहुत अच्छे से मिलाया जा रहा है। और अब इसमें डाला गया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक और कसूरी मेथी। और साथ में इसमें डाला जाता है हींग का पानी, मतलब हींग को पानी में घोल के रख लिया जाता है और उसको डाला जाता है। तो आपने देखा बहुत ही बेसिक से मसाले डालते हैं, कोई भी ऐसे बहुत एक्जॉटिक मसाले या गरम खड़े मसालों का यूज़ नहीं होता है इस तरह की कचौरियाँ बनाने में। जो इसकी भुनाई होती है वो मेन होती है। जितने अच्छे तरीके से इस मसाले को भुना जाता है, कचौरियों का टेस्ट उतना ही बढ़िया आता है। तो ये देखिए इन्होंने इसको इतना भुना है कि इसका कलर बदल गया है, अच्छा डार्क ब्राउनिश हो गया है। मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है और अब इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल दिया जाएगा, जिससे कि ये ठंडा हो सके। तेल डाला जा रहा है मोहन के लिए। इसके साथ ही इसमें डाला जा रहा है गर्म पानी, तो एकदम उबलता हुआ नहीं है पर गर्म पानी है, और इसको बहुत अच्छे से अब मिक्स किया जा रहा है। तो यहाँ पर हाथ से ही डो को एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है। इनके हाथों में इतना अंदाज़ा होता है कि ये कोई भी चीज़ मेजर करके नहीं डालते हैं, सब चीज़ बस अंदाज से डाली जाती है। तो 3 किलो मैदा में 600 ग्राम तेल, मतलब 1 किलो मैदा में 200 ग्राम तेल का इस्तेमाल किया जाता है मोहन के लिए। और आप देखें किस तरह से इसको मिलाया जा रहा है, और आप देखें कैसे इसको पटक पटक के गूंथा जाता है, जिससे लचीला हो जाता है। और जब कचौरियाँ बनती हैं तो वो बहुत बढ़िया तरीके से फूलती है। तो डो बनकर तैयार है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। तो ये काफ़ी सॉफ्ट है, समोसे और कचौरी के डो में यही अंतर होता है कि समोसे का डो काफ़ी हार्ड होता है और ये बहुत सॉफ्ट। कचौरियाँ भरने के लिए अब इस डो को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया जा रहा है। कचौरी का मसाला अब ठंडा हो चुका है, इसमें जा रही है थोड़ी सी कसूरी मेथी, और इसी के साथ इसमें डाला जा रहा है थोड़ा सा खाने वाला सोडा, और इसको बहुत अच्छे से अब मिला दिया जाएगा, जिससे ये दोनों चीज़ें मसाले के अंदर अच्छे से मिल जाएँ। मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है और अब भरी जाएंगी कचौरियाँ। ये जो हमने डो के बॉल्स बनाए थे उसमें मसाले को इस तरह से भरा जाता है बॉल बना के, और बस दबा के अच्छे से कचौरियों को सील पैक कर दिया जाता है। कचौरियाँ तलने के लिए तेल को गरम किया गया है, पर ऐसा बहुत तेज़ गरम नहीं है, हल्का गरम तेल है ये। और इसमें एक कचौरी टेस्ट के लिए डाल दी गई है देखने के लिए। गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमे पे कर दिया गया है। तो ये देखिए इसको हल्के से इस तरह से दबाते हैं और तेल में डालते हैं। तो आप देखिए कचौरियाँ जो है नीचे सेटल हो रही हैं, एकदम से ऊपर नहीं आती है। तेल का टेम्परेचर काफ़ी कम है, क्योंकि अगर एकदम से ये ऊपर आ जाएंगी तो फिर ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी, ऊपर से पक जाएंगी। इसमें ऑलमोस्ट 300 कचौरियाँ डाल दी गई हैं, और ये देखिए जैसे जैसे ये थोड़ा थोड़ा सिकना शुरू होती है, ये ऊपर तेल में फ्लोट करना शुरू कर देती हैं, और इनको सिकने में कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है। ये देखिए कचौरियाँ तेल में फ्लोट करने लगी हैं, और आँच को अब हल्का सा तेज़ कर दिया गया है और इनको पलटा जा रहा है। कचौरियाँ अच्छे से फूल चुकी हैं, इनमें बढ़िया वाला कलर आ गया है, और इसको जब पलटने का तरीका था वो ऐसा था कि बहुत ही जेंटल था, जिससे ये टूटे नहीं। तो बिल्कुल तैयार हैं कचौरियाँ, और अब इनको निकाला जा रहा है। बहुत ही खस्ता और क्रिस्प कचौरियाँ बनती हैं, और ये बहुत देर तक ऐसे ही क्रिस्प रहती हैं, एकदम खस्ता। ये देखिए मैं कचौरी तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें आप कितनी क्रिस्प खस्ता, और आप मसाला देखें, और टेस्ट तो ऑफकोर्स करना बनता ही है। तो ये देखें आप इसमें कितनी अच्छी लेयर्स है, इसने बहुत कम तेल एब्जॉर्ब किया है, क्योंकि टेम्परेचर को मेंटेन करके इसको सेका जाता है। तो ट्राई करिएगा, खस्ता कचौरी तो मेरी फेवरेट है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना ना भूलें। अगली बार हम फिर से आएंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।